पूरे पहाड़ को ही काट कर इस पर बनाया गया है, और फिर इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े पत्थर ले जाना और फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे महल बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। गाइस ये कुत्ता गाड़ी की रुखवाली कर रहा है। अरे भाई साहब डर था गए ले लो नमकीन वगैरह। गाइस स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है जोधपुर का व्लॉग करने वाले हैं हम, और अभी हम निकलने वाले हैं 9:15 बस से कुचामन से, और कुचामन से बस में निकलेंगे और आगे जाकर ट्रेन पकड़ेंगे, और फिर वो सुबह लगभग 2 बजे जोधपुर छोड़ देगी। तो ठीक है अब यहाँ से रवाना होते हैं, कपड़े वगैरह पैक करके और निकलते हैं। अभी कोट वगैरह पहन लिया है और बैग रेडी कर लिया है, इसमें साथ में शॉल वगैरह डाल लिया, ये देखो 3-3 शॉल डाल लिए, और अभी निकलते हैं यहाँ से बस के लिए। मुकेश जी कार ले ले अपने वाली है, कार ले या फिर अभी 3 जने हो गए, कार में अच्छे से आराम से जाएंगे। कार ले गया ट्रक लेके चलेंगे, ट्रक लेके चले या फिर इस बाइक पे चले? तो यार ट्रेन में चलते हैं, आराम से चलेंगे। ट्रेन में नहीं चलोगे? तो चलो कार ही लेकर चलते हैं। तो गाइस अब बस स्टैंड पहुंच गए और तो गाइस बस स्टैंड आ गए और ये बस खड़ी है, अभी इस बस में बैठेंगे, पहले थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं। दोस्तों मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो पर लगभग 1 लाख व्यूज आ गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ये ऐसा सपोर्ट करते रहिए जिससे मैं और भी ज़्यादा आपको अच्छे से वीडियो बता। गाइस ये कुत्ता गाड़ी की रुखवाली कर रहा है। अरे भाई साहब डर था गए ले लो नमकीन वगैरह। तो गाइस ये है कुचामन का रेलवे स्टेशन। क्या देख रहे? ट्रेन में कोई सीट नहीं मिली हमें, बहुत ही अफसोस की बात है। भूख लग गई, आराम हो गया। जोधपुर जंक्शन का शानदार नजारा। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगे। वाह यार वाह क्या सीन है, जोधपुर इंदौर जोधपुर। ये ट्रेन रुका था हाँ यही है लगती ट्रेन एडी थी शाम का चार जयपुर। भैया जोधपुर जंक्शन उतर गए हैं और अभी रात के लगभग बजे हैं 2, अभी कोई होटल वगैरह में स्टैंड करेंगे, फिर
कल जोधपुर पूरा सिटी घूमेंगे और लक्ष्मण भैया हमारे साथ है, ये भी कोशिश करेंगे हमारे साथ आने की वीडियो में। और मैं आप करोगे ना कोशिश, मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा, ठीक है। दोस्तों जोधपुर जंक्शन पर बहुत ही अच्छी सुविधा अवेलेबल है और यहाँ पर रात के लगभग 2 बजे भी खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। और ये यहाँ पर लगा है इन्फॉर्मेशन के लिए भोंपू, तो बराबर अपडेट देते रहता है और जो मेन लोग हैं वो अपडेट देते रहते हैं कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। और हमारे साथ मुकेश जी और मुकेश सुतार फ़ोटो क्लिक वगैरह कर रहे हैं और लक्ष्मण भैया भी यहाँ पर खड़े हैं। तो गाइस अभी तो आज रेस्ट करेंगे रात भर और सुबह फिर व्लॉग बनाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है पूरी। अरे यार चक्कर आ रहे हैं छोड़ने की है तो लग हुए। ये पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर। खुल जा भाई खुल जा खुल गया। दोस्तों देखो रात के टाइम भी जोधपुर जंक्शन पर रेलवे स्टेशन पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने लोग अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, रात में भी सफ़र चालू है और लोग अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हेलो गाइस अभी हम उठ गए और अभी टेम्पो वगैरह किराए करेंगे और तीनों निकलेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए और आपको अभी आगे मेहरानगढ़ दुर्ग दिखाएंगे। ये तो जस्ट वेट एंड वॉच। ये तो आगे बकरा देखो बहुत आ रहा है। अब आप ये देखो सुबह के 6 बजे का व्यू और आगे जो लाइटनिंग की हुई है वहाँ पर है मेहरानगढ़ दुर्ग का रास्ता और हम सीधे जाने वाले हैं वहाँ पर। अभी बीच में घंटाघर है, आपको वो भी दिखाएंगे। अरे गाइस बहुत ऊंचा है। तो गाइस अभी जो लाइट दिख रही है वहाँ पर है मेहरानगढ़ दुर्ग और हमारी पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है चलते चलते। तो गाइस अभी हम मेहरानगढ़ दुर्ग लगभग पहुँच चुके हैं और लगभग 100 मीटर की दूरी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है और पीछे वो अभी अंधेरे कारण दिखाई नहीं दे रहा, हमारे जस्ट पीछे ही उसका मंजिल दिखाई दे रही है और हमारे पीछे है द ब्लू सिटी जो कि अभी अंधेरा है तो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़े जैसे सूरज बाहर निकलेगा तो एकदम आपको ब्लू सिटी दिखाएंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। तो गाइस अभी अंधेरा है लेकिन हम चढ़ते ही जा रहे हैं और मेहरानगढ़ अभी भी दूर है। वाह क्या सीन है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब बता दो घंटा कर रहे हैं। तो अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और मेहरानगढ़ दुर्ग पर अभी कोई नहीं है हम तीन के अलावा और ये पीछे है मेहरानगढ़ दुर्ग, अभी ओपन नहीं हुआ है और जब ओपन होगा तो हम देखने जाएंगे। और अभी तो इतना कोई शानदार क्योंकि सूरज उगा नहीं है तो कुछ बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है, सूरज उगेगा तो फिर देखेंगे।
गाइस अभी हमें सनराइज पॉइंट पर और अभी थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है और आपको मैं दिखाऊंगा इतनी ऊंचाई से सूर्योदय का नज़ारा। अभी अभी गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि 5 मिनट के अंदर ही सूर्योदय होने वाला है। हनुमानगढ़ की जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने हमें वहाँ से निकाल दिया कि 9 बजे ही फोर्ट ओपन होगा और उसके बाद ही आप वहाँ एंटर कर सकते हैं, आप यहाँ पर नीचे बैठ सकते हैं और किले को दूर से ही देख सकते हैं। तो देखते हैं अभी 9 बजे के बाद ही वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे किले को, या फिर अभी मेरा एग्ज़ाम है तो मैं तो निकलूँगा अभी। तो गाइस ये है मेरा हनुमानगढ़ का दुर्ग जो अभी 9 बजे ओपन होगा, उससे पहले इसमें एंट्री अलाउ नहीं है और इसका टिकट प्राइस 200 रुपये है। तो आप भी आकर इसमें घूम सकते हैं। और इस किले का निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था, जो कि लगभग 450 मीटर ऊंची चीड़ाटुंग पहाड़ी पर स्थित है। और इससे जोधपुर शहर का नज़ारा जो ब्लू सिटी कहा जाता है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, और सुबह सुबह इससे सनराइज पॉइंट है वो भी अच्छा दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर आकर ये फोर्ट ज़रूर देखें और बहुत ही अच्छा फोर्ट है। देखो ये मेहरानगढ़ दुर्ग का कितना सुंदर नज़ारा है। और इतनी ऊंचाई पर पहले वाले जो राजा थे वो उन्होंने कैसे ये बनाया होगा, देखो आप ये पूरे पहाड़ को ही काट कर इस पर बनाया गया है और फिर इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े पत्थर ले जाना और फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे महल बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। वो पहले वाले बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, हार नहीं मानते थे और इस पर वो कहते हैं पहले आक्रमण वगैरह होते थे, जो आक्रमण वगैरह होते थे वो सैनिक वगैरह कितने 50-50 किलो भार लेकर भी इसके ऊपर चढ़ जाते थे और वो जीत भी जाते थे। तो पहले वाले जो व्यक्ति थे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, हम तो इतनी सी ऊंचाई पर चढ़े एक बैग लेकर उसमें भी हम थक गए। तो आजकल जो खान पान है वो वैसा नहीं रहा, पहले के खान पान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था तो उनमें मजबूती थी, आजकल वो मजबूती नहीं रही है। अभी देखो सूर्योदय हो चुका है और यहाँ से सूर्योदय का कितना शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है और मैंने आपको ये दिखा दिया है। और अभी देखो पूरे में लालिमा हो चुकी है और नीचे ये देखो आप ब्लू सिटी पूरा जोधपुर ब्लू रंग में दिखाई दे रहा है और वहाँ पर सूर्योदय का शानदार नज़ारा। तो गाइस आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ये है मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि इस पर एक शानदार भव्य दिखाई दे रहा है पूरा दुर्ग। तो गाइज मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं आप यहाँ पर ब्लॉग को ख़त्म करने वाला हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आने वाला है जोधपुर का। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे चैनल से जुड़ी व्लॉग से जुड़ी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। दोस्तों ये है बुर्ज खलीफा, आप देख सकते हैं कि कितना शानदार है। और आपको भी अगर बुर्ज खलीफा देखना है तो आप जोधपुर ज़रूर आए। तो सुबह हो गई मेहरानगढ़ निकल गया भाई, मैं तो मेहरानगढ़ देख रहा यार गढ़ रहा द्वार खोलिया कौन टिकट मिले कौन मुकेश कहाँ करे ला रहा।
अब जमा शक्ति परीक्षा सेंटर। ऐसे लग रहा है जैसे अपना आप नीचे धक्का दे रहा है कोई, है ना। कर लीजिए आड़े वाड़े।